हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन सबसे रिलेटेड रहेगी, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। एमसीसी जो कि नीट यूजी की काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है उनके थ्रू ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, लिस्ट आउट की गई है, जो कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते थे इनको लेके, तो आज सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग से रिलेटेड का हर प्रोसीजर, हर ऑफिशियल नोटिस, वैकेंट सीट, मैट्रिक्स, काउंसलिंग शेड्यूल, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए गाइस, नीट यूजी की काउंसलिंग के अंदर जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जब रजिस्ट्रेशन होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो जो फीस होती है वो भी देनी पड़ती है, ठीक है। तो एक डाउट जो है हर स्टूडेंट के मन में होता है कि स्टूडेंट जो फीस है, अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी? तो गाइस, फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आते थे कि हमारी फ़ीस अब तक रिफ़ंड नहीं हुई, हमारी रिफ़ंड नहीं हुई, इवन जो है अब तक कमेंट्स आते थे। तो गाइस मैं बता दूँ, जिन जिन की फ़ीस, वैसे ऑलमोस्ट सभी की फ़ीस जो है रिफ़ंड हो चुकी है, और जिनकी रिफ़ंड हुई है एमसीसी ने ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया है उस चीज़ को लेकर, और लिस्ट भी आउट की है कि किन किन की रिफ़ंड हुई है, ठीक है। तो एमसीसी वो है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। इसलिए जो भी फीस वगैरह होगी वो आपकी जिस अकाउंट से आप डिडक्ट करवाते हैं अमाउंट, उसी अकाउंट में वापस डाल दी जाती है। तो आपने जिस भी अकाउंट से डिडक्ट करवाई है वहीं से आप देखिए, वहीं पर आपको वापस से आपकी अमाउंट मिल जाएगी। तो जो ऑफिशियल नोटिस आउट हुआ है एमसीसी के थ्रू वो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ अटेंशन नोटिस दिया गया है, काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ यूजी काउंसलिंग, ठीक है। 2022 की काउंसलिंग जो है लेट तक चली थी और रिफंड अब किया गया है। तो सभी को इन्फॉर्म किया जा रहा है, जो भी नीट यूजी 2022 की काउंसलिंग में जिनने भी पार्टिसिपेट किया था, एलिजिबिलिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका रिफंड कर दिया गया है। रिफंड ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट मेड टू 97987 कैंडिडेट, ठीक है, 97987 कैंडिडेट्स का रिफंड किया गया है। जिनका रिफंड किया गया है नीचे लिस्ट अनक्लोज की गई है, वो देख सकते हैं। कैंडिडेट्स को एडवाइस की दिया जाता है, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उनको ध्यान से सुने। तो जो रिफंड है वो भेजा गया है बैंक कार्ड अकाउंट फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी डिपॉजिट वर रिमिटेड, ठीक है, जिससे आपने भेजा था अमाउंट उसी अकाउंट पर वापस से भेज दिया गया है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन, बैंक्स विल टेक 1 to 10 days टू क्रेडिट द रिफंड। तो ऑटोमेशन होता है, इस वजह से 1 to 10 days तक का टाइम आपको क्रेडिट होने में आपके अकाउंट में लग सकता है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर क्लियरली ये बात बोल दी गई है। इफ़ द रिफंड, यदि रिफंड क्रेडिट नहीं होता है 10 दिन के अंदर, तो कैंडिडेट शुड टेक अप विद द कस्टमर ग्रीवेंस सेल ऑफ द कैंडिडेट बैंकर्स सिंस द रिफंड मे बी लाइंग विद दैम इन द सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, कैंडिडेट्स को हु हैव रेज्ड चार्ज बैक क्लेम शुड अप्रोच देयर कार्ड इशू फॉर रिफंड, ठीक है। जो क्लेम लगता है उसके लिए आप चार्ज बैक क्लेम शुड अप्रोच करना चाहिए देयर कार्ड इश्यूअर फॉर रिफंड। इन केस ऑफ एनी रिफंड रिलेटेड क्वेरी, आपको कोई भी रिफंड रिलेटेड क्वेरी होती है तो ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी दी है, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रिगार्डिंग रिफंड और पेमेंट विल नॉट बी इंटरटेनमेंट, ठीक है। फॉर मोर रिफंड एमसीसी के काउंसलिंग के लिए ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा आपको, किन किन का जो है रिफंड किया गया है यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। जो भी 2023 के कैंडिडेट्स रहेंगे उनका भी ऐसे ही किया जाएगा, इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पर एनटीटी आईडी दी गई है, आप लोगों का रोल नंबर है, किस मोड से आपने किया था, कार्ड से किया था, यूपीआई से किया था, नेट बैंकिंग से किया था, यहाँ पर किस दिन आपको रिफ़ंड किया गया है, कितनी अमाउंट रिफ़ंड की गई है, ठीक है। यहाँ पर एआरएन जो नंबर है वो जनरेट हुआ है,
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 97,000 कैंडिडेट्स का रिफ़ंड किया गया है। इसलिए जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट कर ही लेना, क्योंकि रिफ़ंड तो हो ही जाता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिफ़ंड हो जाता है। फिर भी आपको इन सब को लेकर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।